हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। और आज मैंने ये देखिए जो अजियो से दूसरा पैंट मंगाया था ना, ये भी प्लाजो टाइप ही है, लेकिन ऐसा लॉन्ग प्लाजो है एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। दोनों साइड इसको पॉकेट है, यहाँ पे ऐसा बांधने के लिए है और पीछे इलास्टिक है। वेरी नाइस, मस्त मटेरियल भी बहुत अच्छा है, एकदम कंफर्टेबल है और घर में पहनने के लिए, बाहर जाते हुए पहनने के लिए भी बहुत अच्छा है, फीलिंग नाइस। मैंने इसको रेड टी शर्ट के साथ पेयर अप कर दिया फ़िलहाल के लिए। और आज हम लोग के घर में होने वाला है वापस फैमिली गेट टुगेदर। ये ऐसा कुछ प्लान नहीं था एक्चुअली। क्या हो गया पता है, जब हम लोग ने इस घर का पूजा किया उस वक्त नविता ताई की जो मदर इन लॉ है ना, वो दादर में थी, जो उनका दूसरा घर है वहाँ पे वो रह रहे थे। तो अभी जस्ट एक महीने पहले ही उनकी मदर इन लॉ यहाँ पर आई है, तो हम लोग ने उनको इन्विटेशन दिया कि घर पर आओ। तो देन वी डिसाइडेड कि नहीं, चलो एक लंच ही कर लेते। तो आप लोग को पता है अभी श्रावण आने वाला है और ताई की जो मदर इन लॉ, उनको मटन चिकन नहीं पसंद, उनको फिश पसंद है। तो वी थॉट चलो हम लोग एक गटारी स्पेशल ही कर देते और फिश का, क्योंकि हम लोग का गटारी स्पेशल तो अलग होने वाला है, उसमें चिकन मटन होगा, कोमड़ी वड़े होगा। तो ये हम लोग ने सोचा हम ताई के साथ कर लेते, फिर आत्या को भी बुलाए, तारकर काका को भी बुलाए, तो सब लोग आएंगे वापस। दिस विल बी द फर्स्ट गटारी विद दिस फैमिली। फिर हम लोग का सेपरेट एक लास्ट फाइनल गटारी होगा श्रावण चालू होने से पहले। तो यस, फिश लेकर आए, क्लीनिंग हो गया है, बहुत कुछ तैयारी चल रही है। मैं धीरे धीरे सब आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। मला के दोस्तों गुड़ो कम, तो आप उनसे भी मिलोगे, तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखना, एंजॉय करना। तो हम लोग सुबह ही मार्केट जाके फ्रेश फिश लेकर आए। हम लोग आज सुरमई लेकर आए और कोरमी लेकर आए। हम लोग ऑलमोस्ट 2.5 kg प्रॉन्स लेकर आए और सुरमई एक अच्छा बड़ा सुरमई फ्रेश था तो वो लिया। तो सुरमई फ्राई करेंगे, प्रॉन्स का ग्रेवी जो रसा बनाते हम लोग वो होगा, जिसमें बटाटा वगैरह डाल के मैं बनाऊंगी। फिर मसाले वाला प्रॉन्स होगा जो मसाले में मैं फ्राई करती हूँ वो बनाऊंगी, और कांदा टमाटर वाला मसाला वाला प्रॉन्स जो हम लोग बनाते हैं वो बनाऊंगी। प्रॉन्स फ्राई होगा। भाकरी हम लोग ने बाहर से ऑर्डर किया, हम लोग के बिल्डिंग के ऑपोजिट ही एक बहुत अच्छा ऐसा घरगुती खाना मिलता है, तो वहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट यम्मी भाकरी मिलता है, 15 rupees का वन है, तो वहीं से मंगा दिया कि ताकि वो चपाती भाकरी का कुछ घर में करना ना पड़े, क्योंकि फ़िश ही इतना सारा क्वान्टिटी बनाना है। हम लोग आराम से कितने मम्मा, 10-12 जन है ना, 12 जन तो ऑलमोस्ट है ही, तो फिर इतने सारे जन के लिए फ़िश बहुत सारा लाया है। सो यस, अभी फ़िश क्लीनिंग हो गया है, अभी मैं बाकी के धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए ये मच्छी अभी मम्मा ने एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया है, टोटल 2.5 kg है और ये इतना अच्छा फ्रेश सुरमई मिला हम लोग को। और हम लोग में तो मम्मी निशु लोग ये जो ढोकी होता है ना वो भी रखते, उसका भी मम्मा कुछ बनाने वाली है। आप लोग में से मुझे कमेंट करना कि आप में से कितने सारे जन ऐसा फ़िश का ढोकी रखते हैं और उसका कोई कुछ तो रेसिपी बनाते, ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। अभी मैं इसको फटाफट मसाला लगा के मैरिनेशन के लिए रख देती हूँ, तब तक यहाँ पे मैंने ग्रेवी रख दिया है कुक होने के लिए। देखिए ग्रेवी को रख दिया है और यहाँ पे इसको बॉईल करके भी रख दिया है, एक बार ग्रेवी बन जाएगा उसमें ऐड कर दूँगी। रस्सा रेडी हो गया है मस्त, और यहाँ पे 1 round ऑफ कोलंबी मसाला फ्राई रेडी हो गया है। ये मैंने दूसरा राउंड अभी जस्ट डाला है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसमें सब डालती तो फिर वो ठीक से कुक नहीं होता। तो ये रेडी हो चुका है, गैस फ्री था तो मैंने पहले इसको कर लिया। ये अभी जस्ट डाला है तो इसको तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा, 15-20 minutes लगेगा, बट दिस वन इज़ रेडी और कितना मस्त, एकदम मस्त मसालेदार बन गया है। मम्मी अभी सोल करी बनाने की तैयार कर रही है, तो ये है फ्रेश कोकोनट और मम्मा ने यहाँ पे सब इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए, ऐड कर रही है। मम्मा कसं वाटतं सगळे येणार आहे परत गेट टुगेदर? बरं वाटतं, है ना, इतकं वर्ष आपल्याला भाईंदरला कोण यायचं नाही जायचं नाही, आता बरं वाटतं आणि करायला पण मजा वाटते, मोठी जागा आहे, बरं वाटतंय, कोण खाऊन गेलं का बरं वाटतं, मनाला शांती मिळते, आनंद वाटतो। और यहाँ पे जो मैं प्रॉन्स मसाला बनाने वाली उसका कांदा देखिए अच्छे से कुक हो रहा है, और यहाँ पे प्रॉन्स मसाला रेडी हो चुका है यम्मी, और यहाँ पे हो रहा है सुरमई फ्राई, इस पर भी रखा है और इस पर भी रखा है। क्वांटिटी ज़्यादा है ना, इसके लिए मुझे ज़्यादा ज़्यादा इसमें बनाना पड़ रहा है। और मैंने कांदा भी कट करके रख दिया है, पता नहीं किसको, बहुत जन को फिश के साथ पसंद है, बहुत जन को चिकन के साथ पसंद है, तो 2 कांदा काट के रखा है, और अगर लगेगा तो मैं वापस काट लूँगी, बट अभी के लिए 2 काट के रखा है। हरा धनिया कट कर दिया है, कोकम निकाल के धो के रख दिया इसमें ऐड करने के लिए।
भाकरी भी जो हम लोग ने ऑर्डर किया था ना वो भी आ गया है, तो मैंने इसमें देखिए इसको निकाल के रख दिया ताकि वो ऐसा सॉफ्ट ना हो जाए क्योंकि गर्म है ना इसके लिए। और आई एम रियली सॉरी, मैं आपको ऐसे ना पार्ट पार्ट में सब दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है घर में, हौच पौच हो गया है और एक बज चुका है, तो अभी थोड़ी देर में ही आते हैं लोग, ताई आ जाएंगे, तो तब तक तो पूरा रेडी हो जाएगा, ऑलमोस्ट सब रेडी हो गया है। फिश तो फ्राई गरम गरम ही अच्छा लगता है, कांदा वाला कोलंबी भी फटाफट हो गया, इसमें अभी से प्रॉन्स डाल दूंगी और स्लो गैस पे रख दूंगी तो वो खाना परोसने तक अच्छे से कुक हो जाएगा। और सच में इतना अच्छा लग रहा है ना, भाईंदर वाले घर में तो ज़्यादा कोई आता जाता नहीं था, बट अभी हम लोग हाँ, और घर भी हम लोग का छोटा था तो हम लोग को ज़्यादा किसी को बुलाने के लिए भी अच्छा नहीं लगता था, अनकम्फर्टेबल हो जाता था इतने छोटे से जगह में। तो और हम लोग के घर में ना गणपति बैठता है ना दिवाली मतलब नवरात्रि वगैरह कुछ नहीं होता है, तो हम लोग लिए यही जो फैमिली गेट टुगेदर होता है ना वही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए अच्छा लग रहा है कि अभी हम लोग विरार आ गए, ताई है, आत्या है, तो वो लोगों को भी यहाँ पे बुलाने मिलता है, गेट टुगेदर करने मिलता है, हम लोग वहाँ जाते, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी आर एंजॉयिंग दिस फेज, दिस मोमेंट ऑफ लाइफ। वेदू हैज रीच्ड, वेदू आत्या के पास ही था इसलिए वेदू साइकिल से आ गया है और आत्या और काका बाइक पे से आने वाले और ताई तो वहाँ से अपने घर से आने वाले। आत्या ताई निकाली कर, हाँ ताई भी निकल चुकी है, तभी बस सब एक साथ ही आगे पीछे पहुँचते होंगे। और लुक एट सानू, सामने मिताली के पास जाके खेल के आ गई है, अभी बैठी है, मुझे भूख लगा है कुछ तो खाने दे ऐसे कर रही है। व्हाट यू वांट नानू, अरबट चरबट ना, खाना खाने की भूख नहीं लगी, अरबट चरबट खाने की भूख लग गई है। सो आर्या इज योर नाइस ब्लैक टॉप, दिस इज आत्या ब्यूटिफुल पिंक कलर का ड्रेस, आत्या से हाय। काका नीचे गाड़ी पार्किंग के लिए गए एंड दिस इज मेन पर्सन मलाक, हाय। उसको कितना क्यूटली तैयार किया है ताई ने, गई गई गई, वो पूरा घर घूम रही है। बाबू दिले इतने आठ एंड दिस इज नमिता ताई और ये है ताई की मदर इन लॉ आर्या की आजी। फर्स्ट टाइम आए घर देख रहे, ताई घर दिखा रही क्योंकि मैं किचन में बिजी हूँ, तो ताई दिखा रही है पूरा रूम। कैसा वाटला आजी घर, घर का छान है ना, चांगला है ना। भाउजी हैज ऑल्सो रीच और मलाक तो इतनी एक्साइटेड हो रही है ना, ये रूम से वो रूम कहाँ जाओ क्या करूँ, शी सो एक्साइटेड। आला ना एक आला, खाली सामान आने लगे लेला। और ताई ये देखे क्या इतना मस्त, उनके यहाँ पे फेमस होममेड मैसूर पाक मिलता है, ये मिठाई वाले का नहीं है, उनके यहाँ कोई तो बनाते वहाँ से, ताई लगे एकदम फ्रेश आज का बना हुआ ये गरम गरम। और ये भी लेकर आइए ताई, ओपन करके दिखाते हैं मैं आपको। ताई है ना काय मंटर, मैं बार बार भूल ही जाती हूँ, मम्मा काय मंटर है ना, क्या बोली ताई याद ही नहीं अभी। ये मैंने कभी नहीं खाया है, पत्ता सब मिला के बनाते हैं, सिंगदाना है, गुड़ है, हल्दी का पत्ता, इलायची है और लापसी का बना है एंड इट इज स्मेलिंग ऑसम। मैंने टेस्ट करके भी देख लिया, एज यू नो मेरे से तो रहा भी नहीं गया, ताई ने बनाया घर पे। और मैंने तो लापसी का शीरा, खीर और खिचड़ी वो सब खाया, लेकिन ऐसा टाइप में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं। एंड मम्मा इज ऑल्सो कड़ी, सोल कड़ी भी देखिए, मस्त सोल कड़ी भी रेडी हो गई है, दिस है ना मैं दिस है। निशु पान भी लेकर आए, फुल एक्साइटमेंट चल रहा है अभी, सब एक्साइटेड और हम लोग सब रेड रेड ही हो गए, देखो ताई रेड, मैं रेड, अत्या पिंक, सब एक ही कॉम्बिनेशन में आ गए। मैंने मुझे बैक टू बैक दो बार सोल करी टेस्ट करने दिया, ये मुझे तीसरी बार मिला है, टेस्ट करने के बहाने से मुझे बार बार सोल करी पीने मिल रहा है, मतलब मम्मा बोल रही तीखा चेक कर, मीठा चेक कर, और इतना देखे भर के मम्मा ने बनाया ताकि सबको अच्छे से सफिशेंट पूरे। तो ये आई थिंक कितना, एक नारियल का होगा मम्मा, दो नारियल, हाँ दो नारियल, हाँ दो नारियल का जूस निकाला है, उसमें कोकम का जूस डाला है, लहसुन है, मिर्ची है, लहसुन मिर्ची और नमक है। तो अब ये लास्ट में फाइनल टेस्ट करी, मम्मी बोले और नहीं मिलेगा, अब इसमें ही बता दे क्या करना है, तो हम जस्ट टेस्टिंग और बहुत टेस्टी बना है, परफेक्ट बना है, मुझे तो मम्मी के हाथ का
सोल करी इतना पसंद है, मैंने मम्मी को बोला थोड़ा ज्यादा बनाओ ताकि मुझे रात को भी पीने मिले। अभी इसको फ्रिज में रखेंगे और चिल्ड खाना खाने के बाद पीना चाहिए, बहुत मस्त लगता है। आप कोंकण साइड चिपलून साइड जाओगे ना तो वहाँ पे हर रेस्टोरेंट में आपको खाना खाने के बाद सोल करी सर्व करते ही करते हैं। तो ये देखिए मेरा प्रॉन्स मसाला रेडी हो गया है। कांदे का पात लेट आ गया क्योंकि मैं लाना भूल गई थी, तो अभी निशु गए ना तो निशु लेकर आए। तो ये बस मिक्स करना है, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूँगी और ये कवर करके रख दूँगी, देन दिस इज़ रेडी। और यहाँ पे सुरमई फ्राई भी हो गया, देखिए सब सुरमई फ्राई हो गया, सिर्फ ये लास्ट का चल रहा है। एवरीथिंग इज़ रेडी राइट नाउ, लंच हो गया है रेडी एंड द प्लेटर इज़ लुकिंग सो नाइस। ये देखिए फ्राई, रस्सा, मसाले वाला, सबको भूख लग गई है, फटाफट जाते हैं और लंच सर्व करते हैं। इट्स 4:10 राइट नाउ, 4:10। अभी हम लोग का पूरा पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। वाईफाई सुबह से आ रहा है जा रहा है, तो अभी सब वाइंड अप हो गया। ताई को 4 बजे पार्लर में अपॉइंटमेंट है कुछ उनका कंसल्टेशन का वगैरह, इसके लिए ताई को जाना पड़ा। तो आर्या भी चली गई, वेदू भी चले गए, भाऊजी भी चली गई, आजी भी चले गए, सब चले गए ताई के साथ साथ ही। मैंने बोला रूको आराम से चाय वगैरह पी के जाते, तो नहीं बोली। फिर तो मैंने आत्या को भी बोला कि बंटी का रूम अच्छा खासा है, एसी लगा के दे, तो आराम से चेंज करो और थोड़ा रेस्ट करो, चाय पी के जाओ। तो आत्या भी बोली नहीं, घर पे जाके ही आराम करेंगे। तो आत्या ऑल्सो लेफ्ट, मैंने बहुत कन्विंस किया बट आत्या नहीं मानी, आत्या चली गई घर पे जाके आराम करेगी। उसके बाद हम लोग ने सब वाइंड अप वगैरह किया, 3:30 दे लेफ्ट, 1:15 के पास आसपास आए थे, 3:30 को चले गए। ज़्यादा कुछ मैं नहीं दिखा पाई, नहीं बोल पाई क्योंकि इतने सारे लोग थे, फिर खाना परोसना ये सब, तो मम्मी को अकेले नहीं होगा, तो मैं बार बार कैमरा लेके नहीं घूम सकती ना, और सब लोग को कंफर्टेबल फील नहीं होता है बार बार ऐसा कैमरा लेके दिखाना घुमाना। तो जितना पॉसिबल था उतना दिखाया एंड वी रियली एन्जॉयड, बहुत मज़ा आया। एंड और क्या, और हम लोग को वेनसडे को इन्विटेशन आया गटारी का, ताई के यहाँ पे नहीं तो आता है कि यहाँ पे, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। सिर्फ प्लानिंग चल रहा था कि वेनसडे को वापस एक गेट टुगेदर रखते, या तो आत्या के घर पे या तो ताई के घर पे। अभी वो एक दो दिन में फाइनल हो जाएगा। और मेनू भी डिसाइड हो रहा था, मटन लाना है कि चिकन लाना है या मच्छी लाना है, ये देखो। और इसने पता है क्या किया, पान लाया था ना, तो पान को देखो कैसे कर दिया है, पूरा पान का चूरा करके मम्मी के लिए रख दिया। अब मेरे को बोलते अभी बाकी का तू खा ले, तो अभी मैं ये वाला पान खा रही हूँ। और ये रहे निशु, वेरी टायर्ड सुबह से निशु बेचारे, यहाँ उससे सबसे ज़्यादा तो मम्मी थक गई है। मम्मी ने बहुत मदद किया, बाप रे सुबह से मम्मा कर ही रही है। और अभी मम्मी देख रही, मैंने दवा ले रही है, दवाई ले रही है, फिर भी अच्छा लगा सब खाना खा के। तो मराठी मध्ये बोला, मम्मी मराठी में बोलती है, वो आप लोग को अच्छा लगता ना, क्योंकि मैं पूरा हिंदी में बोलती हूँ, एटलीस्ट थोड़ा तो मम्मी मराठी में बोले। ऐसा गेट टुगेदर रखो ना तो अच्छा लगता है, वंस इन अ वे सब साथ में पूरी फैमिली आके मिलके साथ में उतना टाइम स्पेंड होता है, बातें होती है, बहुत बातें हुई। आप लोगों को तो पता है ताई कितना बोलती है, ताई आते हैं हम लोग सब एक साथ मिल जाए ना तो हम लोग की नेवर एंडिंग डिस्कशन होते ही रहता है। बट ताई को जाना पड़ा इसलिए, वरना आराम से ताई शाम को ही जाती थी। बट यस, अभी तो हम लोग यहाँ पर है, ताई भी यहाँ पे, आते भी यहाँ पे, होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और एक बार बंटी का शादी का सब होते ना चालू होगा, तो उसके बाद तो और कितना क्या क्या होने वाला है। सो यस, बहुत व्लॉग्स मिलेंगे, बहुत अलग अलग है ना कंटेंट पे व्लॉग बनेंगे। और निशु भी मुझे बोलता है अभी देखो आगे और कितना कंटेंट मिलेगा, ये मिलेगा। तो अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, 5 बजे पानी आएगा।
सानू और निशु हम लोग तीनों मिलके जा रहे हैं बाहर थोड़ा काम से। और सानू को देखो, सानू कम योर, सानू को मम्मी ने ये देखे दोस्त पोनी बांधा है, शी इज लुकिंग सो क्यूट। एंड यस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा, हम लोग ने तो बहुत एंजॉय किया। एंड यस, दिस इज इट, मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग, टेक केयर। एंड यस, जो मुझे कल इतना बॉडी पेन हो रहा था ना इंजेक्शन के बाद, वो मेरा डोलो से क्योर हो गया। तो अगर आपको बुखार आ गया ना इंजेक्शन लेने के बाद, तो क्रोसिन और डोलो लेना, तो क्रोसिन से आपका बुखार उतर जाएगा। और डोलो से जो भी आपका, मुझे हेडेक भी हो रहा था, बॉडी पेन भी हो रहा था, पूरा मेरा सेकेंड डे मॉर्निंग, आज जब मैं सुबह उठी तो मुझे एकदम फ्रेश फील हो रहा था। इसलिए आज मैं वापस मेरे वही एनर्जी में वापस आ गई जो मैं हमेशा रहती हूँ। सो यस, अच्छा लग रहा है और मुझे एकदम अच्छा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली वेल नाउ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, सी यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड बाय बाय।